नमस्कार, जम्मू लिंक्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जिन बुद्धिजीवियों और धर्मनिरपेक्ष नेताओं को ऐसा लगता है कि देश को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है और एक विशेष धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसी सोच वाले नेताओं को एक मर्तबा जम्मू के गीता भवन में आकर पुतले बनाने वाले इन कारीगरों से मिलना चाहिए, ताकि उनकी आंखों पर बंधी नफरत और गुमराह की पट्टी हट सके। क्योंकि एक विशेष धर्म के लोग दूसरे धर्म के त्यौहार में अहम भूमिका निभाकर देश में भाईचारे की मिसाल कायम कर रहे हैं। ये हैं उत्तर प्रदेश के मोहम्मद ग्यासुद्दीन। नाम से ही पता चल जाता है कि ये मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। पेशा ऐसा कि देश की एकता को एक माला में पिरोकर रखते हैं। आजकल ये जम्मू में आए हुए हैं और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक मानने वाले त्यौहार दशहरा को सफल बनाने के लिए, क्योंकि इनके बिना ये त्यौहार संपूर्ण ही नहीं हो सकता। मोहम्मद ग्यासुद्दीन अपने कारीगर साथियों के साथ यहाँ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाने के लिए आए हुए हैं। देश में भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए करीब 60 कारीगर इन पुतलों को बनाने में लगे हुए हैं, जिनमें हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग शामिल हैं। ग्यासुद्दीन पिछले 33 सालों से यही काम करते आ रहे हैं। वहीं यहां काम कर रहे बुजुर्ग कारीगर रेहान ने बताया कि ये काम उन्हें विरासत में मिला है और इससे पहले उनके बाप दादा भी इसी काम को करते आए हैं। और मैं सन 85 से, जी सन 2018 तक होगी, 33 वर्षों से इस गीता भवन में काम कर रहा हूँ राम के पुतले बनाने का। इससे पहले मेरे डैडी भी आते थे यहाँ। मतलब ही नहीं है, पहली बात तो हमारे यहाँ ऐसा है नहीं। इसका सबूत ये है कि भाईचारे का संदेश हमारे द्वारा ये भी जाता है कि सारे जो हैं इसके अंदर हिंदू मुस्लिम ही मिल के इसको बना रहे हैं। सर्वधर्म के प्रतीक और एकता की मिसाल ये कारीगर सिर्फ दशहरा के लिए ही पुतले नहीं बनाते, बल्कि भगवान शिव की कांवड़ यात्रा में इस्तेमाल होने वाले कांवड़ भी इन्हीं मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ही बनाए जाते हैं। अब हमारा ये हरिद्वार में होता है कांवड़ मेला चलता है, ये देखा आपने श्रवण मास का जो चलता है, तो इसको भी बनाने वाला मुस्लिम भाई होता है और इसके अंदर गंगा जल जो लेके चलता है वो हिंदू भाई होता है, तो इससे बड़ा भाईचारे का प्रतीक किया जाता है। हिंदू परंपरा और संस्कृति से जुड़े ये कारीगर जात पात धर्म से उठकर समाज को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। सभी कारीगर जात पात को भुलाकर गीता भवन के प्रांगण में एक साथ रह रहे हैं। ये कारीगर उन दोगले राजनेताओं के लिए एक आईना भी हैं, जो धर्म के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए लोगों को आपस में बांटते हैं और खुद राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इस संगठन से इस काम को कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सभी भाईचारे से काम करते हैं यहाँ से, इसमें कोई कमी नहीं, हमारे ना कोई भेदभाव है, सभी बैठ करके एक जगह खाना खाते हैं और सभी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लोगों की पर ऐसा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, सभी भाई भाई हैं। दशहरे वाले दिन अधर्म पर धर्म की जीत को विजय के तौर पर मनाते हुए इन पुतलों को जला दिया जाएगा। लेकिन देश में धर्म के नाम पर बढ़ रही नफरत की सोच कब इस दशहरे में जलेगी, इसका इंतजार सभी भारतीयों को है। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू लिंक्स न्यूज़।